माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसका नाम है हिंडवा रसोई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको अरवी की सब्जी बनाना सिखाते हैं, चटपटी मसालेदार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये अरवी ली है, इनको छील लिया है और धो भी लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको काट लेंगे। अब मैंने अरवी को काट लिया है, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इनके। अब हम करेंगे मसाला तैयार। मसाले के लिए मैं लूँगी 1 टमाटर, 4 हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने ले ली है 4 हरी मिर्चें, 1 टमाटर, और हम इसको इस कटोरी में काट लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टमाटर को और हरी मिर्च को काट लिया है। अब हम मसाला तैयार करेंगे इसमें डालने के लिए। यहाँ पर हमने 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटी चम्मच मैगी मसाला। ये इससे हमारी सब्जी बहुत अच्छी टेस्ट बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैगी मसाला ये रहा हमारा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको अरवी बनाकर दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारा मसाला जो अच्छे से घुल जाए। गैस ऑन कर लेते हैं, हमने यहाँ पर गैस ऑन कर लिया है। अब हम इसको कुकर को धर देंगे अच्छी तरह से। हमारा कुकर गर्म हो जाएगा, हम इसमें तेल डाल देंगे। ऐसे करके इनको धो लेंगे, ताकि जो हमारी जो अच्छे से गंदा पानी है साफ हो जाएगा 2 से 3 बार। अरवी को धोने से कितना गंदा पानी निकलता है सफेद सफेद, तो इसलिए हमें 2 से 3 बार अरवी को धो लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कुकर गर्म हो चुका है, अब इसमें ऑयल डाल देंगे। मसाला बनाने के लिए अच्छे से ऑयल इतना ही डालना है हमको। अब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें अजवाइन डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे, ताकि अच्छे से रहे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हमने ये अजवाइन लिया, अजवाइन डाल देंगे। अरवी अजवाइन में बनाते हैं, तो हमारी अजवाइन लाल हो जाएगी, तब हम इसमें मसाला डाल देंगे। तो चलिए, हमारी अजवाइन लाल हो चुकी है, अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। लेते हैं इसमें, अब हम इसको ऐसे करके चला देंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। हमें इसको बीच बीच में चलाते रहना चाहिए, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए, तैयार हो जाए। हमें इस तरह चमचे से घोट देने चाहिए टमाटर, ताकि जो हमारा मसाला है अच्छे से पके। 2 से 3 मिनट तक हमें ऐसे ही चलाते रहना चाहिए। चलिए, हमारा यहाँ पर मसाला पक कर तैयार हो चुका है अच्छे से। आप देख रहे हो कितना गाढ़ा हो चुका है हमारा मसाला ये। अब हम इसमें अरवी छोड़ देंगे, यहाँ पे इनको हम इसमें मसाले में डाल देंगे और इनको मिक्स कर देंगे ऐसे करके। हमें बनानी है पानी वाली अरवी, तो इसलिए हम पानी डाल देंगे इसमें। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी पानी डाल दूंगी। यहाँ पर हमने इसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया और हम इसको चलाएंगे, और हमें अरवी बनाने के लिए 3 सीटी लगाएंगे, क्योंकि हमारी ये अरवी उबली हुई नहीं है। अगर उबाल के बनाओगे तो 2 सीटियों में अरवी पककर तैयार हो जाएंगी, तो हमारी ये उबली हुई नहीं है, इसलिए हम 2 से 3 सीटी लगाएंगे इसमें। अब हम कुकर का ढकना लगा देते हैं, जिनमें कुकर का ढकना लगा देंगे। यहाँ पर मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, अब हम इसमें सीटी आने देंगे।
कारण समय सब्जी पक्कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको खोल के निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी यहाँ पर इतनी अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स, ये पानी वाली सब्जी है अरवी की, बहुत ही अच्छी बनती है। फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूले, और हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।